गुड मॉर्निंग दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, सोच रहे हैं कि कहाँ जा रहा है ये बंदा, तो मैं आपको बता दूं, हमारे राज्य का सबसे बड़ा ध्वज स्थापित होने वाला है और कुछ भाषण इस तरह दिए जा रहे हैं। आप लोग इसे कुछ देर तक सुनिए और इन्जॉय कीजिए। और मैं ये बता दूं कि मुख्यमंत्री जी इसका उद्घाटन करेंगे। विधायक जी और उनकी टीम, उनकी पूरी कमेटी ने तय करके मंच पर ये विषय दी गई। ठंडा जमीन पे आने का मतलब हम देश के गद्दार हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बहुत बड़े बड़े स्कूलों के छात्र परफॉर्मेंस कर रहे हैं और काफ़ी सुंदर परफॉर्मेंस कर रहे हैं। और कुछ ये परफॉर्मेंस ख़त्म होने के बाद हमारे सीएम पुष्कर सिंह धामी जी यहाँ पर आएंगे और इसका उद्घाटन करेंगे। फ्लैग को ऊपर हवा में ले जाएंगे। तो हम अभी फ्लैग नहीं दिखाएंगे, फ्लैग हम बाद में दिखाएंगे, जब तक आप पुष्कर सिंह धामी जी को देख लेंगे। तो इसमें अभी तो पब्लिक दिख रही है, देख सकते हैं कितने लोग आए हुए हैं, काफी लोग आए हुए हैं, दिख रही है, कितना मज़ा आ रहा है। आज हमारे लिए, हमारे राज्य के लिए और हमारे शहर के लिए बहुत बड़ी बात है। सजा के दिखा दूँ आप लोगों को। और ये देखिए कितने लोग हैं यार, क्या बताऊँ आपको, बहुत लोग हैं, बहुत ही ज़्यादा लोग थे। और ये हमारे पुष्कर सिंह जामी जी सीएम पधार चुके हैं और देख सकते हैं लोग अफरा तफरी हो गई लोगों में, देख सकते हैं धीरे 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 भीड़ उमड़ पड़ेगी और लोग काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं पुष्कर सिंह धामी जी से मिलने के लिए। देख ही सकते हैं आप लोग, देखिए भीड़। और पहले ही बात बताऊं कि अभी ये जो सिलाई को माला पहनाएंगे पुष्कर सिंह धामी जी और फिर उसके बाद स्टेज पर चले जाएंगे। तो कुछ देर के लिए इंतज़ार करते हैं, देखते हैं। देखिए भीड़, देखिए जूम करके दिखा रहे हैं, देखिए पुष्कर सिंह धामी जी वो चश्मे वाले, पुष्कर सिंह धामी जी, पुष्कर सिंह, बोलना भी नहीं आ रहा मुझे, नाम ही कुछ ऐसा है। बट महत्व की वो बहुत हमारे इस राज्य को और शहर को बहुत सम्मान मिलेगा इस झंडे को फहराएंगे जब, क्योंकि ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा झंडा होगा जो कि 181 फुट लंबा है। काफ़ी मज़ेदार की बात है ना। तो आप पूरा वीडियो देखिए, मज़ा आएगा। आज देखिए पुष्कर सिंह धामी जी स्टेज पे आ गए हैं, देखिए वो, देखिए वो राजकुमार ठुकरा जी हमारे यहाँ के विधायक हैं रुद्रपुर शहर के। और मैं उस जगह का नाम बता दूंगा, अब ये तो पर्यटक स्थल हो ही गया, अगर आप घूमना चाहेंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगा, आप एड्रेस लिख दूँगा, आप डिस्क्रिप्शन पढ़ के आ सकते हैं। देखिए इतने सारे, बहुत सारे नेताएं हैं यहाँ पर, मज़े आ जाते हैं। आज देख लिया रियल लाइफ में बड़े बड़े नेताओं को, देखिए ब्लर होने वाला, देखिए वो, देखिए बीच में सफ़ेद रंग के नहीं है। हाथ मिला देंगे, ब्लॉग वायरल होगा तो क्यों नहीं हाथ मिला देंगे, ब्लॉग वायरल करा देंगे, सही बात है, इनसे मिलके भी आएंगे। बाकी अभी तो भाषण चलेगा, देखते रहोगी। अभी ये कुछ झलक देख लीजिए, हालांकि सस्पेंस था पर देख लीजिए, ये है हमारा झंडा फ्लैग और ढोल हमारे साथ, हमारे जवान रेडी हैं। कुछ ही टाइम में बस आने वाले हैं हमारे पुष्कर सिंह धामी जी, अब देख सकते हो फ्लैग कुछ इतना बड़ा है। और ये देखिए हमारे पुष्कर सिंह धामी जी आ गए हैं, रेडी टू गेडी स्टार्ट हो गए हैं। बस आने वाले, ये देखिए हमारे जवान पहले फ्लैग की ओर बढ़ते हुए निकालते हुए रैली निकल गए, पुष्कर सिंह धामी का सम्मान करते हुए बस बधा रहे हैं सब। थोड़ा वेट करो यार, अभी तो आएंगे पुष्कर सिंह धामी जी, चलो बस थोड़ा देर और वेट कर लो, बस ये बधा रहे हैं, बधा ही रहे हैं अभी। और देखिए लोगों के हाथ, देखिए हमें तो अंदर जाने नहीं दिया, अनुमति नहीं थी, हाथ देखिए लगे कैदियों की तरह लग रहे हैं। देखिए कैसे लग रहा है, ये तो वीडियो मैंने कहीं से बड़ी कठिनाई से बना के लाया हूँ आप तक पहुँचाने के लिए। जैसा कि आप सब देख सकते हैं पुष्कर सिंह धामी पधार रहे हैं और बहुत सारी भीड़ अभी इकट्ठा हो गई है, उसमें तो पुष्कर सिंह धामी दिखेंगे नहीं। अरे पुष्कर सिंह धामी जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे नहीं जा रहे हैं, इसमें दिख ही नहीं रहे,
मतलब मजाक कर रहे थे सर। ये देखिए अब पुष्कर सिंह धामी जी पहुंच गए हमारे फ्लैग के पास जो कि 181 फुट लंबा है। अरे वाह, कहना भी बहुत गर्व हो रहा है क्योंकि हम हमारे राज्य का सबसे बड़ा जो झंडा है। और कुछ ये हनुमान चालीसा ही पढ़ी जा रही है, उसके बाद हमारे धीरे धीरे फ्लैग को ऊपर ले जाएंगे हमारे राज्य के CM पुष्कर सिंह धामी जी। तो देख सकते हैं आप लोग फ्लैग कितना बड़ा है, हर्षित प्राधिकार है। देखो ये देखिए, ये देखिए, ये छोर ही नहीं मिलता है यार, कैमरा इतना ऊपर उड़ाया था मतलब कि दिखा रहा था। देख सकते हैं आप लोग, और देखिए ये ढोल यहीं पर रह गया है, आप आ के बजा सकते हैं। अटक रहा हूँ और वीडियो में मैं नहीं दिख रहा हूँ इसलिए क्योंकि आप लोग को पूरा दिखाना चाहता हूँ कि क्या हमारे राज्य में क्या होता है क्या नहीं। तो आज तो बहुत बड़ी बात हो गई, 2 अक्टूबर है, गांधी जयंती भी है और ऊपर से इतना बड़ा तोहफा भी है। अरे वाह, मज़ा आ गया। देख सकते हैं ये हमारा फ्लैग ऊपर जा रहा है, देख सकते हैं, धीरे धीरे देखते जाइए, मज़ा ही आएगा। अब आसमान में गुब्बारे छोड़े गए हैं, करीबन 2000 गुब्बारे छोड़े गए हैं, नारंगी, सफ़ेद और हरा, गजब की बात है ना। भीड़ उमड़ पड़ी है, धीरे धीरे झंडा हमारा ऊपर जाता हुआ देख सकते हैं आप लोग। खूब मज़ा आ रहा है यार, काश ऐसा मौका हमें भी मिलता, पर ऐसा कहाँ, दिल छू लिया। अब ये रुद्रपुर सिटी हमारे लिए गर्व की सिटी हो गई है और हमारा भी, हमारे पूरे देशवासियों का सर ऊंचा हो गया है क्योंकि भारत का सबसे ऊंचा जो फ्लैग और झंडा यही है, दूसरे नंबर पे आता है। देख सकते हैं आप लोग, भीड़ देख सकते हैं, ये तो जिनको चांस मिला वो अंदर घुस गए, जिनको चांस नहीं मिला वो अंदर नहीं गए, बाहर ही रह गए हैं। उसी के भीड़ के अंदर मैं वीडियो बना रहा हूँ, दबा कर रखे हैं मुझे भयंकर, बहुत काफ़ी भीड़ उमड़ी हुई है हमारा फ्लैग ऊपर जाते हुए धीरे धीरे। कुछ ही देर में हमारा फ्लैग गगन चुमेगा, देखते रहिए। बड़ा मज़ा आता है यार, ऐसे ब्लॉग बनाने में भी बहुत मज़ा आता है, कोई रोक नहीं, कोई टोक नहीं, बस फोकस है आप लोगों को बढ़िया चीज़ दिखाने का, देश से रिलेटेड चीज़ दिखाने का। मौका मिला आप तक पहुंचा दिया, पर यार फ्रेंड्स ये ब्लॉग वायरल ज़रूर कर देना है, शेयर ज़रूर करना, क्योंकि ये बहुत मुश्किल से मैंने ये वीडियो बनाया है, मैंने क्या मेरे हर्षित भाई ने भी बनाया है, ये मेरा अकेले का मेहनत नहीं है, हर्षित भाई का भी है जो कि हर वीडियो मेरे साथ ही रहते हैं, आप लोग देख ही रहोगे। वीडियो पर वायरल कर देना है, इतनी भीड़ में उमड़ उमड़ के पूरा बैंक हमारा कचरा निकाल दिया, मतलब कि हमें दबा के रखे हुए हैं। ये तो हर्षित भाई अपने मतलब कि छत में वो दीवार है, वो दीवार को पकड़ के और ये कहाँ से पकड़े हुए हैं और वीडियो बना रहे हैं, और ये मैं घर पे बोल रहा हूँ, मैं एग्जैक्टली घर पे बैठ के ही बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं भीड़ में जाके बोल रहा हूँ, नहीं, ये मैं घर पे ही बोल रहा हूँ, घर पे बैठ के, क्योंकि वीडियो वहाँ पर खाली वीडियो बनाया और घर पे आके स्पीच दे रहा हूँ, मतलब कि बता रहा हूँ आप लोगों को, इन्जॉय करा रहा हूँ। क्योंकि ऐसा अगर मैं करता, अपना फेस दिखाता या बोलता तो वहाँ पर क्लियर सुनाई नहीं देता, ठीक है। और यहाँ पर काफ़ी सारी मीडिया भी आई हुई हैं और पत्रकार भी आए हुए हैं, नेताएँ भी हैं, थोड़ा PM आ जाता तो और मज़ा आता, पर PM भी किसी कारण का वजह से व्यस्त थे इसलिए CM आए हैं, हालांकि राज्य के हैं, इनके भी बहुत काम थे। अब देखिए हमारा तिरंगा आसमान में गगन चूम रहा है, देखिए मज़ा आ गया ना, अरे काफ़ी गर्व की बात है, इतना मज़ा कहाँ आता है, आंखों के सामने देख रहा हूँ अपना फ्लैग आसमान में छू रहा है, गगन चूम रहा है, सब लोगों को गर्व होता होगा, ये वीडियो देख रहे हैं उनको भी गर्व हो रहा होगा, जिनको जिनको गर्व हो रहा है वो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें और लाइक सब्सक्राइब तो ज़रूर करें, इतना मेहनत से जो वीडियो बनाया है, हर बार की तरह मैं इस बार भी मांग ही रहा हूँ, ये हक है, मैं तो अपना हक मांग रहा हूँ, क्योंकि भीड़ देख सकते हैं, ये देखिए भीड़, भीड़ तो आप देख सकते हैं,
इतने सारे लोगों के बीच में दब के और कैमरा निकाल के बनाना वीडियो अब तो बहुत मुश्किल हो जाता है। अब मैं बाहर आ गया, ये देखिए सब लोग वीडियो शूट कर रहे हैं, हमारा तिरंगा गगन चूम रहा है। अब हम घर की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। अब कुछ रास्ते में जाते जाते वो दरवाज़ा मतलब गेट खुल जाएगा, वहीं हम आपको दिखाएंगे कितना बड़ा है। तो देखिए कुछ पास से ऐसा है हमारा तिरंगा, क्योंकि नेताजी सब चले गए हैं और ये खुल गया, तो देखिए कैसा तिरंगा है, खूब मज़ा आएगा। और ये इंदिरा गांधी पार्क में है, रुद्रपुर सिटी, इंदिरा गांधी पार्क, उधम सिंह नगर ज़िला। तो आप सब आ सकते हैं। तो अभी हम घर चलते हैं। सो नमस्ते दोस्तों, अभी आपने देखा जो वीडियो देख रहे थे वो रुद्रपुर सिटी का है, जो कि भारत का सबसे दूसरा फ्लैग है, ऊंचा फ्लैग है। तो आप देख ही रहेंगे वीडियो में, और वीडियो अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब जरूर करें ऐसी वीडियो देखने के लिए। तो मिलते हैं कल सुबह, बाय।